सो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के मोदक। पनीर के मोदक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, ये मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, और करीबन मैंने लिया है 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच करीबन बिग स्पून मैंने लिए हैं शुगर, क्योंकि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो ऑलरेडी स्वीट है तो मैंने यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कम रखी है। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रेड कलर, ये जो फूड कलर है वो ऑर्गेनिक है तो बिल्कुल सेफ है। थोड़े से काजू एंड बादाम का मैंने थोड़ा सा चूरा सा लिया है, दरदरा सा पाउडर 2 चम्मच मैंने करीबन ये लिया है। साथ ही में मैंने इलायची एसेंस लिया है, आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा केवड़ा वाटर, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीबन, छोटी 2 चम्मच के करीबन देसी घी। हमें क्या करना है, इस पनीर को मिक्सी में डाल के एक अच्छे से चर्न कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर हो जाए वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको मिक्सी में घुमा लेंगे। पहले हमने ले लिया है यहाँ पे एक पैन, और इस पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। इस पे हम डालेंगे करीबन 1 चम्मच घी। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ये पनीर जो हमने अभी अभी चर्न किया है। तो गाइस 3 से 4 मिनट मुझे हो गए हैं इसको पकाते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा मिल्क पाउडर, उसको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे और पका लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है शुगर और आलमंड एंड कैश्यू का बुरादा पाउडर जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो हम अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, आज मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब है, आई डोंट नो, थोड़ा सा थ्रोट में पेन है, और थोड़ा सा मुझे कोरोना नहीं हुआ है सो डोंट वरी अबाउट इट, बट थोड़ा सा मेरा आज गला ख़राब है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, सो आज थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ के साथ बेयर करना होगा। सो गाइज मुझे अब हो गए हैं 2 से 3 मिनट इसको पकाते हुए। अब मैंने इसमें कार्डमम जो होता है अपना इलायची उसका एसेंस मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर भी ऐड किया है जो कि हमारे पनीर के मोदक को बहुत अच्छा एक अरोमा मिलेगा उससे। तो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ देन यू कैन, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ यू कैन टोटली स्किप। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो पनीर मोदक मैं बना रही हूँ ये मैंने आज सुबह बनाया था, 5वें दिन का मोदक है ये, बट द थिंग इज दिस, मैं कल 4th डे का मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू वॉज देयर। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पुट माई 5th डे का मोदक एंड 6th डे का मोदक का वीडियो टुगेदर। सो हमारा ये मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं हाफ इसका मिक्सचर निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में और हाफ रहने दूँगी पैन में, और उसमें मैं ऐड करूँगी हमारा रेड कलर जो कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। गाइज मैंने इसमें यूज़ किया है रेड कलर, बट हमारा जो फाइनल लुक आने वाला है उसका वो ऑरेंज आने वाला है, क्योंकि आई एम मिक्सिंग दिस रेड कलर इन दिस कलर, लाइक ऑफ वाइट में अगर और वाइट में हम अगर रेड मिलाते हैं तो उसका आउटकम आता है ऑरेंज। सो आप ये मत समझना कि मैंने आपको बताया रेड कलर और मैं दिखाने में आपको दिखा रही हूँ ऑरेंज कलर। सो इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी मोदक। सो गाइस ये मिक्सचर हमारा हो चुका है अब ठंडा, और इसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेरा मोदक मोल्ड, और मोदक मोल्ड की हेल्प से मैं मोदक बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है, इसको बंद करके मैंने इसमें इस बार फिलिंग किया है, सबसे पहले मैंने वाइट वाला जो हमारा मिक्सचर था पनीर का वो मैंने अच्छे से इसमें प्रेस करते हुए इसको फिल किया है। आफ्टर दैट आई एम पुटिंग माय ऑरेंज वन मिक्सचर, जो कि उसको भी हमें अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि ये थोड़ा खुला खुला रवे वाला टेक्सचर आप बोल सकते हैं, यू नो हमारा खोए का जो टेक्सचर होता है वो वाला, इसलिए हमें अच्छे से प्रेस करते हुए इसको रेडी करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा फर्स्ट मोदक इतना अच्छा दिख रहा है, और गाइस दिस इज़ अप टू यू कि आप अगर आप सिंगल कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिंगल रख सकते हैं, आप कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। और इसको बनाने के लिए भी आप अलग अलग तरह से बना सकते हो, मैं इसमें 2-3 तरह से डिज़ाइंस डालने वाली हूँ, लाइक
पहले मैंने वाइट वाला पार्ट पहले डाला था एंड देन ऑरेंज, तो इस तरह से मैंने दिखी दो तीन टेक्सचर के कलरफुल मोदक मैंने रेडी किए हैं। आप भी कुछ इसी तरह से कुछ भी अपना इनोवेटिव आइडिया यूज़ करके फुल वाइट बना सकते हैं, फुल ऑरेंज बना सकते हैं, ट्राई कलर बना सकते हैं, कोई से भी कलर को कैसे भी ऊपर नीचे यूज़ करके आप अपना इनोवेटिव डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप अपने मोदक रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मेरा फिफ्थ मोदक ऑफ गणपति फेस्टिवल भी आपके साथ शेयर करके कंप्लीट हुआ मेरा ये टास्क। और बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप भी ट्राई कीजिए, अपने किसी भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ पप्पा आपको बोल रही हूँ कि अभी गणपति फेस्टिवल चल रहा है, बट नॉर्मल डेज़ में भी हम इसको बना के और हमारे भगवान को अच्छा सा एक भोग उनको लगा सकते हैं। और बोलते ना, फ्रेश चीज़ का भोग लगाना और अपने हाथों से बना के लगाना एक अलग ही उसका यू नो फीलिंग होता है। सो गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ मेरे आज के वीडियो का एंड, एंड मैं आपसे मिलती हूँ कल मेरे नए वैरायटी ऑफ मोदक के साथ। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ डू दैट फर्स्ट, लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। और खुश रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और भगवान की पूजा करते रहिए, गणपति महोत्सव जो चल रहा है उसको इन्जॉय करते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी।